कटनी जिला के अंतर्गत ग्राम सिमरिया तहसील ढीमरखेड़ा अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में भाजपाइयों के साथ पहुंची पीड़ित परिवार आत्महत्या की दी चेतावनी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया के गंगाराम परोहा का मकान बिना सूचना दिए गए तोड़े जाने के विरोध में गुरुवार दोपहर भाजपा नेताओं के साथ पीड़ित परिवार नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां भाजपा नेताओं के प्रशासन के द्वारा दी गई मनमानी कार्यवाही का जमकर विरोध किया गया। सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम ने सिमरिया गांव में हुए कार्यवाही के विरोध में प्रशासन के ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ठंड के मौसम में गरीब का आशियाना तोड़कर उसे सड़क पर ला दिया, जिसमें पटवारी की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसे तत्काल बर्खास्त किया जाए। ढीमरखेड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह ने मनमानी कार्यवाही का विरोध जताते हुए प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए कि बिना किसी सूचना दिए मकान आखिर क्यों तोड़ा गया, और मकान तोड़ने के पूर्व पीड़ित के गृहस्थी का सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा द्वेषतापूर्ण कार्रवाई सामने आ रही है। पीड़ित परिवार हाथ में केरोसिन की कुप्पी लेकर बार बार प्रशासन को चेता रही है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। जमीनों पे जो लोग बसे हुए हैं और जो भूमाफिया हैं, उनके मकान गिराना चाहिए। इसमें तो मैं कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कमलनाथ सरकार जो कर रही है कि अमीर के छत पर बैठा भी कौआ मोर लगता है। कमलनाथ जी को अमीर के छत पर बैठा कौआ भी मोर लगता है और गरीब का बच्चा भी चोर लगता है। इनको ये चोर लग रहा है, गरीबों के घर गिरा के इनको क्या हासिल होगा? उन घरों में जहाँ मिट्टी के घर रहते हैं, मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। इनको सोचना चाहिए, उनकी आह लगेगी। इनको जल जला सा आया, जिस तरीके से वो रो रहा था और उसकी बच्चियाँ रो रही थी, बिलख रही थी, उसको देखकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जल जला सा आया और बहा कर ले गया, टूटे छप्पर में वो गरीब सशक्ता रह गया। इस तरीके से ये अपनी योजनाएं चला रहे हैं और गरीबों के ऊपर डंडा चला रहे हैं और अमीरों के ऊपर और उद्योगपतियों के ऊपर इनका संरक्षण है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चरम पे है, और सरकारों उन पर अंकुश लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करे, नहीं तो आने वाला समय इनके लिए बहुत ही दूभर होने वाला है और इनको जो है नज़र मिलाने के लिए लायक नहीं रहेंगे। बस इतना ग्राम सिमरिया में जो गंगाराम परोहा ये गरीब व्यक्ति है, उसका मकान जो प्रशासन ने बिना किसी सूचना के ध्वस्त किया है, उसमें एक पटवारी निरंजन, उनकी भूमिका संदिग्ध है। हम लोगों की ये मांग थी कि उस पटवारी को तत्काल, उसने पैसे की मांग करी, उसने तत्काल निलंबित करे जाए। लिया हुआ है पैसा कितना? 18,000 रुपए उसने बताया, 18-20,000 रुपए, और मकान गिरने के पहले 4,000 रुपए, 4,000 पहले ले चुका है। तो हम लोगों की पहली मांग है कि उस पटवारी को पहले निलंबित किया जाए, उसके बाद जाँच करी जाए। और दूसरा आरोप मैं इस मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूँ कि कमलनाथ की जो भ्रष्टाचारी वाली सरकार है, ये इसके दबाव में पूरा प्रशासन गलत काम कर रहा है। किसी को ये सर पे छत देने का काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की, गरीबों की छत छीनने का काम कर रहे हैं। इनकी गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है और बहुत उग्र आंदोलन करेगी यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती। योजना उसमें पैसा हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है, वो एक विषय था। दूसरा, किसान सम्मान निधि जो हमारे किसानों को, उसकी राशि सभी किसानों को नहीं मिल पा रही है, एक वो विषय था। और अपने जो क्षेत्र में अतिक्रमण है, हम तो शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जब आपको अतिक्रमण गिराना है या हटाना है तो आप संपूर्ण रूप से पूरे तहसील क्षेत्र में कार्यवाही करिए। इन्हीं सब विषयों को लेके, किसानों के विषयों को लेके, जनमानस के विषयों को लेके आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे और शासन को हमने ज्ञापन दिया है।